फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ट्रेलर को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस से. थैंक यू, थैंक यू सो मच. कैसे कमेंट मिल रहे पहले तो ये बताइए, फ्रेंड से, इंडस्ट्री से, कैसे? सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत रियल लगा, और बहुत ही एक स्वीट सी फिल्म है जिसमें बहुत सादगी है, और लॉट ऑफ पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लाइक यू जस्ट सेड दैट वी एक्चुअली गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड ऑल द कमेंट्स आर पॉजिटिव, सो बहुत इंकरेजमेंट मिलता है एंड फील्स नाइस, पीपल आर लाइकिंग इट. एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है. इनफैक्ट एवरी सिंगल पर्सन आई हैव स्पोकन टू, आई हैव हैड people call me after the trailer release that it's such a cute trailer, it's so real, and that's one thing I've heard everybody say the same thing, that it's very real, you can really relate to it, and it's the kind of trailer that you cannot watch and be like ye kya hai, you know, it gives you that warm feeling after watching it, and that's the beauty of this film and the trailer, is that it's very real, it's very cute, and it's something everybody will walk out with a smile on their face. हाँ, जैसे कि प्रिया ने बोला, जैसे कि हिमांश ने बोला, बिल्कुल ये आपको लगेगा कि आपके सबके दिल को छुआ है, जैसे जैसे मैंने सुना है सबसे. और बहुत ना वो सबने, कई लोगों ने तो ये बोला, ऐसा नहीं लग रहा कि फिल्म है, लग रहा है कि मतलब जैसे मैं कहूँगा कि सबके दिल को जैसे छुआ है, तो बहुत रियल चीज़ है इसमें, और बहुत सबके बहुत लोग सब लोग रिलेट कर पाएंगे इसमें, जिसमें मैं आपका आपकी गर्लफ्रेंड हो गया, आपका बॉयफ्रेंड हो गया, किसी का भी, मदर फादर, फादर डॉटर, मदर सन, तो सबका सबकी कहानी है, सब रिलेट कर पाएंगे. सर ये तो हमारी है, मतलब सारे रिश्ते बना दिए हैं, सारे किस फिल्म के फादर मदर. आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए, थोड़े लोगों क्या प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर. अरे नहीं सर, आप कंप्लीट करो. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक ही बात है. नहीं नहीं, जैसे वो सही बोला इन्होंने, जैसे इन्होंने भी बात सही की, ये जो हमारी मस्ती है, हमारी मस्ती, हमारी मस्ती चलती रहती है. आप कुछ क्वेश्चन बोल रहे थे, सॉरी. आप कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं मूवी में, उसके बारे में थोड़ा बताइए. मेरे जो कैरेक्टर है उसका नाम है नरेश ललवान. नहीं सॉरी, सर आदत हो गई अभी ऐसे. जो मेरे कैरेक्टर का नाम जय है, बहुत ही एक प्यारा सा लड़का है, सिंपल एंड स्वीट. सिया के साथ में बचपन से बड़ा हो रहा है, सो इट्स अबाउट देम आई वुड से, बिकॉज इट्स फॉर जय. उसकी लाइफ में सिर्फ सिया मैटर करती है, एंड ही इज़ ग्रोइंग विद हर, और उसे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है. बहुत एम्बिशियस कैरेक्टर है, ही इज़ एवरीबॉडीज़ फेवरेट इन द फैमिली, आउटसाइड, बाहर जितनी लड़कियां हैं सबका फेवरेट सिर्फ वही है और कोई नहीं है. और ये मैंने ऐड किया अपने आप ही लास्ट वाला. सही, थोड़ा ना एक्चुअली कूल लगता है, वैसे हम बोलते हैं ना सबको कि ही इज एवरी गर्ल्स फेवरेट, तो सभी लड़कों के एकदम से कान खड़े हो जाते हैं. ऐसे ऐसा ऐसा ही है, जय ऐसा नहीं है, उसके दिल को कुछ, दिल से कुछ कहा ही नहीं जाता, तो ऐसा कैसे हो सकता है. मतलब शायद लड़कियों को, कुछ लड़कियों को ये भी पसंद आता है कि जो लड़के बहुत शर्मीले होते हैं, कह नहीं पाते, बहुत नाइफ से होते हैं, कुछ लड़कियों को शायद ये भी अच्छा लगता है. हाँ सर, हाँ. लड़कियों को सिर्फ वही अच्छा लगता है क्योंकि उनके आगे किसी की बात ही नहीं, उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाएगा जब, तो उनको और क्या चाहिए. यही तो चीज़ फेवरेट है, यही तो पूरी फिल्म है, दिल जो ना कैसा का. ये देखो ना आप सर, मैं ये आप देख सकते हैं, चुन्नी इसने मेरे को जैसे मैंने कुछ बोलने की कोशिश करी तो उसने दो तीन नॉट ऑन लगा दिया उसी टाइम में. तो कह रही थी अगर आप बोला ना तो कभी नहीं बोल पाएगा, तो पहाड़ी के कोने नहीं कह पाएगा. खड़क हिमांश, मोस्ट ऑफ द मूवी रोमांटिक रही है यार, यारिया से आपने डेब्यू की, वो भी एक रोमांटिक थी, उसके बाद भी जो भी रोमांटिक, तो आपको कौन सा. नहीं यार, सारी मूवी रोमांटिक थोड़ी ना थी, मोस्ट ऑफ. अच्छा तो ठीक है ऐसे, मोस्ट ऑफ. तो आपको कौन सा ऐसा एक्टर है जो इंस्पायर करता है ऐसा रोमांटिक. राजेश खन्ना साहब मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, आई लव हिम. आई डोंट थिंक सो, उनसे ज़्यादा बढ़िया रोमांस आज तक किसी ने. आई एम श्योर लॉट ऑफ एक्टर्स आर डूइंग देयर बेस्ट, देयर्स एस आर के, देयर्स रणबीर कपूर, बट आई स्टिल कनेक्ट विद हिम क्योंकि जिस तरह का रोमांस उन्होंने किया, ही इज नोन फॉर हिज रोमांस एंड हिज फिल्म. टूडेज आई थिंक एस आर के एंड रणबीर दे आर रियली गुड एट इट, तो मैं उनको काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, फॉलो करता हूँ. और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं नाउ, सो हिमांश कोहली भी है. Who I like as a romantic hero, for me it's going to be ek second, next part mein aana nahi aana wo hello excuse me. For me it's Shah Rukh Khan, all the way, king of romance, course, nobody else. Just all he has to do is just stand there and do this and girls will go crazy, that's it, that's him, that's all. वैसे आपके दिमाग में कब आया कि मैं सर और प्रिया में आपको कास्ट करना चाहिए. हाँ वेल, जैसे जब मैंने कहानी जैसे लिखी थी, मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा लड़का जो कि प्यारा लगे और किसी भी लड़की को उसको देख के प्यार हो जाए, उसके थॉट्स को देख के.
तो और जब और जब हिमांश आए और सबसे जैसे मैं वही याद कर रहा था उस दिन कि जब हिमांश आए थे कहानी सुन हम बात पहली हमारी मीटिंग थी ऑफिस में और हम मिले थे और थोड़ी मैंने कहानी सुनाई थी और जिस तरीके से हिमांश उसको सुन के मतलब उनका रिएक्शन आ रहा था सामने से तो वो लग रहा था कि वो समझ पा रहे हैं मेरे को क्या चाहिए और मुझे वो बात आज तक नहीं भूलती। आपने बोला था कि जैसे वो रोज़ घर से निकलते हैं तो वो आप बात करते हैं फैमिली में उनके गुरु हैं उनसे बात करते हैं Yes, तो वो बात मुझे आज भी याद है कि उन्होंने वो बोला था कि मैं आज सर घर से निकला सुबह तो मैंने अपने गुरुजी से बात की कि मैं एक आज की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ कहानी सुनने तो वो बात मुझे आज भी याद है। उन्होंने बोला था कि ये कहानी ये फिल्म आपकी ज़िंदगी बदल सकती है तो सिर्फ उनकी नहीं हम सबकी ज़िंदगी बदल सकती है सिर्फ ऑफ कोर्स सर तो वो मुझे और टचवुड ऐसे कनेक्ट हुए हम उस पहली बार में ही वो मुझे तो एक हो गया कनेक्शन। इट्स बीन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो वाइल्ड शूटिंग ऑफ द सेट्स हम लोग बहुत मस्ती करते थे सर आप लंदन लेके गए मैं इससे पहले कभी लंदन नहीं गया था शिमला में 30 दिन शूटिंग करी हमने मैं इससे पहले कभी शिमला भी नहीं गया था सो या सर बहुत हाँ बहुत और हमारी तरफ से तो सब स्मूथली चल रहा था बाकी लोग भी कर देते थे ठीक है कभी कभी स्मूथ करा देते थे I am gonna beat him up on camera. तो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे चल रहा था और मैं जब दोनों से मैं बात करता था प्रिया से जैसे आप जैसे मैं सोचता एक लड़की हो जिससे किसी को भी प्यार हो सकता है जिस कोई भी चाहे मतलब जिसको लगे कि ऐसे और प्रिया से जब पहली बार मिला वैसे सेम प्रिया के साथ भी ऐसी था फर्स्ट ऑडिशन प्रिया ने दिया मुझे लगा बस मेरे को मेरी सीएमएल की जो पहले जब पता चल रहा था एक लड़की आ रही है कनाडा से कनाडा में पैदा हुई है वहीं पली बड़ी तो लगा हिंदी कैसे बोलेगी वो इंग्लिश में जैसे बोलेगी मुझे नहीं नहीं याद है पता नहीं चलो ले लेते हैं ऑडिशन बट जैसे प्रिया ने ऑडिशन दिया सच में इट वॉज अमेजिंग और उसी तरीके से परफॉर्म किया दोनों ने और आप बिल्कुल प्रिया को देखेंगे आपने शायद प्रिया को ऐसे कभी नहीं देखा होगा हिमांश को आपने ऐसा कभी नहीं देखा मैंने अपने आप को ऐसा कभी नहीं देखा ट्रेलर में हमने देखा है कि आपकी प्रिया मैं बेस्ट फ्रेंड रहती है फिर थोड़े दूरियों के बाद आपको पता चलता है कि वो ज्यादा है कुछ फ्रेंड्स तो ऐसा कॉलेज टाइम में स्कूल टाइम में ऐसा आपने किसके लिए ऐसा फील किया है छोड़ो मैं उसकी अभी की बात करूँ ना अभी दिल जो ना कैसे की बात है जो कॉलेज वो तो बीते हुए भी कितना जो बीत गई सब बात गई अच्छा तो उसको प्लॉट ट्विस्ट कर देते हैं ये देखो कुछ निकलवाना चाहते हैं सही है ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसा किसी चीज से का दिल जो ना कह सका ऐसा कोई जन हो ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस टू योर फ्रेंड्स टू योर लवर्स ऐसे बहुत बारी ऐसी बातें होती हैं लेकिन कभी आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको डर लगता है शायद आप उन्हें खो ना दें तो ऐसी बातें करके जो शायद उनको पसंद ना आए जो आपके एंड से बहुत अच्छी हैं बहुत स्वीट हैं योर लविंग जेस्चर्स माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल तो हुआ ऐसा एक आध बारी बहुत पहले हुआ दैट्स द रीज़न व्हेन आई वाज हियरिंग द स्टोरी तो मैं उससे इतना कनेक्टेड हो गया क्योंकि मुझे लग रहा था ये सब चीज़ें तो हमारी लाइफ में हुई हैं यार ये सारे इंस्टेंसेस जितने भी हमारी सबकी लाइफ में एक एक बारी फेजेस ऐसे ज़रूर आते हैं आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी आए होंगे आप किसी को लाइक करते होंगे और आप सब भी कि आपने किसी को लाइक किया और कोई भी मुंह पे जाके सीधे तो नहीं बोल देता आई लव यू आई लाइक यू या देयर समथिंग आई वांट टू से इट नीड्स अ लॉट ऑफ गट्स या एंड वी समहाउ वी आर सॉर्ट ऑफ शाय व्हेन इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योर लव एट द वेरी मोमेंट वी थिंक समटाइम्स वी प्लान समटाइम्स कि मुझे हम लोग लव लेटर्स लेके जाते हैं कार्ड्स लेके जाते हैं आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा इजी हो गया उस समय नहीं होता था तो या ये मेरे आंसर के लिए एक बढ़िया सा जो पीछे मेलोडी आती है वो आई नो या आई नेवर हैड दिल जो ना कह सका मोमेंट इन माय लाइफ वेयर आई एम नॉट एक्सप्रेस्ड I've always, every time I felt something, I've had emotions, I've had feelings, or whatever I've had for anybody. I've always said it. I've always been there. I've gone out there and I don't believe in regrets in life. And I don't believe, rejection is fine, but regrets is worst. So I don't believe in regrets. So that could be anything. If you have it in your heart, just say it. And I have done that. And I'm happy about it. तो कहेंगे आप यहाँ से भी तो पूछिए एक बारी कि ऐसा कौन सा मूवमेंट था वो कहीं आए कहीं जाते हैं ऐसे सर लोग इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं और सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए होस्ट बन जाता हूँ तो अगर पसंद नहीं है तो गोस्ट बना देना
तो सर लोग इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, कहानी का आइडिया कहाँ से आया आपको, आपको कैसे एकदम से आया कि मुझे सिर्फ हिमांश के साथ में ही काम करना है और मैं कुछ भी करके उसे लॉक करूँगा? वो आपसे मिलके ही लगा मुझे कि... तो जैक एज अ कैरेक्टर या एज अ लव स्टोरी, ये कहाँ से इसकी बुनियाद शुरू हुई, कैसे हुई, इसका आइडिया कैसे हुआ? जैसे कि हर किसी की का लाइफ में होते हैं इंसिडेंट्स होते हैं, आपको कुछ किस्से याद रहते हैं, कुछ आप भूल भी जाते हैं, जो याद रहते हैं आपके दिल में वो बारी बारी आपके जहन में आते रहते हैं। तो उसी के मद्देनज़र ये कहानी मैंने फिर बुननी शुरू की, लिखनी शुरू की, तो वैसे ही चलता चला गया। जो कि हर एक की फिर मैंने जब बातें करता था लोगों से कि ऐसा होता है, हाँ मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ, अरे यार ऐसा सही कह रहे हो आप, ऐसा होता है, तो वही चीज़ें मुझे लगा कि सबके साथ जुड़ रही थी, सबको कनेक्ट कर रही थी, तो उसी को लेके मैंने फिर कहानी लिखी। व्हाट्स द मैसेज? मैसेज है कि आप अगर हर कोई किस प्यार करता है ज़िंदगी में और होता है, तो बस ये कि आपको कह देना चाहिए, जैसे प्रिया ने बोला कि आप, हाँ बाद में आप सोचें मुझे कह देना चाहिए था, दुख होता है, आप कह देते हो उसका जवाब जो भी हो कि आप चलो ठीक है मैंने कह तो दिया था, बाकी आगे जो किस्मत है वो किस्मत है, तो ज़रूर आपको अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। देखिए लोगों को एक दिल से एक फिल्म जो बहुत ही ज़्यादा दिल से प्यार से बनाई है, सर को मैंने जब हमारी फिल्म कंप्लीट हुई थी तो मैंने सर से एक बहुत प्यारी सी चीज़ दिल से निकली थी उस समय कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं दिल से, सिर्फ फिल्में बनती हैं, तो ये फिल्म दिल से बनाई गई है और ये सभी दिलों पे राज करेगी। ये मैं सिंस डे वन, क्योंकि इसमें बहुत ही लोगों का दिल लगा है और सब लोगों ने बहुत प्यार से इस फिल्म के अंदर में काम किया है, एंड एवरीबॉडी इज़ बिन लाइक अ फैमिली, सो यू विल कनेक्ट टू ईच वन ऑफ आवर कैरेक्टर्स, यू लव द कैरेक्टर्स, देयर इज दिस वेरी नाइस वार्म फीलिंग जो इस फिल्म के अंदर है। प्लीज़ कम एंड वॉच द फिल्म विद योर फ्रेंड्स फैमिली। ये डेट्स बात बात पे रिलेशनशिप डेट्स पे आ जाती है लड़की, इट इज़ फॉर लवर्स, डेट्स लवर्स सबके, ठीक है ओके, शी इज़ सेइंग You want to zoom on this one? So yeah guys, please appeal. Please. 17 November ko film release ho rahi hai hamari. Pyar se, sabhi tarah. Made of love, full of love. Ye to so, Shakespeare style, pyar se. Pyar se. Aap aa jaiye, pyar se aa jaiye, pyar se dekhiye aur bahut pyar kijiye hamare film ko, and make sure you bring your entire family, your friends, your dates, your lovers, everybody. Thank you so much. Thank you.